we are going to learn expanded form. Okay? तो आज हम सीख रहे हैं expanded form. Expanded form होती क्या है? First of all, ऐसे numbers जिनको फैलाकर लिखा जाता है. ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में सीखते हैं. तो let's start. Suppose हमारे पास number है 435. Okay? तो 5 हमारे पास क्या है? Ones. और 3 हमारे पास क्या है? Tens. और 4 hundred. Okay? और अब इसको हमें expanded form में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? 400 plus 30 30 and last 5. अगर हम इसको plus करके देखते हैं 400, 30 और 5, तो ये हमारा expanded form है. यानी कि इसको हमने फैलाकर लिखा है इस तरह से. समझ में आ रहा है? यही आज हम सीखेंगे इस क्लास में. तो हम थोड़े से सम्स करते हैं. हमारे पास नंबर है 346. इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो हमारे पास क्या है ये? 346. जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं 346. और इसको एक तरीके से मैं आपको और बता देती हूँ. 3 क्या है हमारे पास? 100. 4 है हमारे पास tens. और 6 हमारे पास है ones. Okay, clear? और देखते हैं. Suppose 438. 400 plus 30 plus 8. Okay? इसको हमें दूसरे तरीके से कैसे लिखना है? 400 plus 3 tens plus 8 ones. Clear? अब next है 517. तो 500 जो बोला जा रहा है वही लिख रहे हैं हम. 17 यानी कि 10 plus 7. इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 1 tens प्लस 7 ones. ओके, क्लियर? एक और देखते हैं. 947. तो कैसे लिखेंगे? 900 plus 47. और इसका दूसरा तरीका क्या है? 900 plus 4 tens plus 7 ones. क्लियर? अब मैं एक तरीका और बताती हूँ जो बहुत इजी है. आप देखिए, ये 346 है ना, तो 3 हमने यहाँ लिखा. पीछे जितने वर्ड है, जितने डिजिट है, उतनी आप जीरो लगा दीजिए. तो देखिए, 3 लिखा हमने, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दी. ये इसका काम खत्म. अब नेक्स्ट 4 लिखा यहाँ पर, फिर इसके पीछे 1 डिजिट है, 1 जीरो लगा दी. प्लस लास्ट में 6 है तो 6 लिख दिया. इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हमने कोई नंबर नहीं लिखा. बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा आपको इजी से इजी जो भी आपको बताया जा सके वो सारे मैं आपको
तरीके बता सकूं। तो आप इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए 438, तो हमने 4 लिखा, जो नंबर है हमने वो लिख दिया। फिर इसके पीछे देखो 38 यानी दो डिजिट है, दो डिजिट लगा दी 0, फिर प्लस लिखा, फिर 3 है 3 लिखा, 3 के पीछे 8 है यानी एक डिजिट है, तो 3 के बाद एक 0 लगा दी, फिर लास्ट में 8 है 8 लिखा और पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अब हमने इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें? शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म मीन्स इसको छोटा करके लिखना है। तो मैंने आपको बताया था छोटा करने के लिए क्या, मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया था ना, तो हम एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 900 है प्लस 10 प्लस 9, ये देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब शॉर्ट फॉर्म होगी, इसको ऐड करके जो आएगा 009011 और 99, तो हमारा आंसर क्या हो गया 919, यानी कि 919। क्लियर? इसी तरह से ये करेंगे। देखिए एक बहुत इजी तरीका जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये 3 है 3 लिख दिया, सेकंड 7 है 7 लिख दिया, फिर 6 है 6 लिख दिया, है ना, 376, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 376 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 235, यानी 2 फिर 3 है फिर 5 है, इसको ऐसे लिखा तो बन गया ये 235, वेरी गुड। नेक्स्ट वन 453, 4 है 4 लिख दिया हमने, नेक्स्ट 5 है 5 डिजिट लिख दी, फिर 3 है 3 लिख दिया, तो ये बन गया हमारा 453, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट वन देखते हैं 140, नेक्स्ट डिजिट है 8, 148। अब देखिए थोड़ा सा ना डिफरेंट है, 200 प्लस 3, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 3-3 है पर यहाँ पे तो 2 ही है, ये कैसे हो गया, ये भी बहुत आसान है। देखिए मैं आपको इसको प्लस करके दिखाती हूँ, ये 200 है, 200 लिखा हमने, फिर प्लस है 3, तो 0 3 3 0 0 और ये 2, यानी कि ये लिखा है 203, ये 200 है, ये 200 हो गया। और फिर टेंस के लिए हमने 0 लगा दी और ये 3, 203, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, ये 203 पढ़ेंगे इसको। तो आपने क्या सीखा, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने शॉर्ट फॉर्म भी सीख ली और एक्सपेंडेड फॉर्म इससे पहले हमने सीखा था। और फिर मिलती हूँ मैं आपके लिए कुछ नया लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।